Hello friends. Welcome back to our channel. My name is Sapna. I am Pankaj. So friends, today we are going to react on Hanuman movie climax scene. So guys, ये movie का last scene है and pre-climax scene बहुत ही जबरदस्त था. Yes. हमने जहाँ पे देखा जो विलन है उन्होंने पूरे गांव पे वो कुछ गैस को छोड़ दिया था एंड हनुमंत भी मिल गए हैं एंड वो जो बंदा था जिसको मारा था स्टार्टिंग में वो भी साथ में जुड़ गया है और सज़ाम जो साइंटिस्ट था वो भी इनके साथ आ गया क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी. अब देखते हैं आखिरी सीन में क्या होता है. जहां तक मुझे पता है कि इसमें एक हनुमान चालीसा हमको सुनने को मिलेगी एंड वो बहुत ही ज्यादा उसको सुन के मतलब आई थिंक डेफिनेटली गूज बम्स आने वाले हैं. तो देखते हैं लास्ट सीन आप लोगों के साथ में एंड हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. पीटर खत्म कर दो. तो है नहीं इनके पास. अब क्या होगा. ए हनुमान जय बजरंग बली. तोड़ दे दुश्मन की नली. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. ये कहां से आ गई. बट अभी तो रात हो रही है ना. ओ नहीं. वाह अभी पावन आ गई. ये देखो क्या है. हनुमान जी का पावर आ गया. अब तो कोई कुछ नहीं डाल सकता उनका. गानी तोड़ दी सकती है. सुपर हीरो सुपर विलन हो गया इधर है. अच्छा ये अभी भी रोक रहा है ना. अच्छा सब मर जाएंगे. हाँ सचिन दिन आप श्रीनिवास हमेशा सुपर हीरो का ही साथ देगा तुम जैसे सुपर विलन का नहीं. हाँ देखिए यार एक पंचर
मतलब उसके हवा से ही पूरा हो गया, पंच का पावर इतना है। अब क्या करें, अरे मणि दे देते हैं। असुर जाग गए। आपको सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। ओ, आएंगे अब। जा रहे हैं अभी से। हनुमान चालीसा है यहाँ पे। हाँ। वो गिर रहे हैं, कोई तो बचाएगा? हनुमान जी बचाएंगे क्या? हाँ? अच्छा एक्चुअली वो जो उनका खून था ना, वो मणि उसी से बनी हुई थी। वो जो ब्लड है उनकी आंख में गिर गया। हाँ
क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया देख के। जय हनुमान, क्या बात है, मतलब अभी मूवी खत्म नहीं हुई है। क्या जबरदस्त क्लाइमेक्स देखने को मिला। क्लाइमेक्स तो था ही था, उसके साथ जो हमने हनुमान चालीसा जो सुनी है, उसके साथ जो गूज़बम्स हम लोगों ने फील किए, माइंड ब्लोइंग यार। जिस तरह से इनका अवतार देखने को मिला हनुमान जी का, एंड मतलब कहीं रुकना है रोंगटे खड़े हो। आई एम नॉट श्योर कि ये आगे क्या होगा। जय हनुमान जो मूवी आई थिंक अब 2025 में आएगी, अब जो उन्होंने श्री राम जी को वचन दिया था वो पूरा करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं वो अब असुरों को कंट्रोल करना है, करेक्ट। वो असुर लोग जाग गए, तो मुझे लग रहा है कुछ आगे कंटिन्यूएशन जो मूवी आएगी उसमें जो तेजस अज्जा आई थिंक एक्टर्स में देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे आई एम नॉट श्योर, बट जय हनुमान जरूर आएगी। वो तो है क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इस मूवी के एंड में कि आएगी अगेन 2025 में आएगी, तो अभी 24 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर मे बी कब आएगी वी डू नॉट नो, कि दो साल है ऑलमोस्ट, 1.5 ईयर, बट मजा आ गया यार, इतना जबरदस्त सीन, जबरदस्त क्लाइमेक्स का, मतलब जितना बोलो उतना कम है, लेकिन तारीफ करो उतना कम है, जबरदस्त। पूरी पावर जो है उन्होंने हनुमंत को दे दिया, आई थिंक वो जो ब्लड जिससे वो मणि बनी थी उनकी आंख में चला गया, एंड कहीं ना कहीं दोनों का अवतार एक जैसे ही दिख रहा है, एंड जब उन्होंने पीछे घूम कर देखा तो उनको वो कितने विशाल थे, वो हनुमान जी के दर्शन, सुपर अच्छी मूवी बनाई है, एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ग्राफिक्स इन्होंने यूज करे हैं, एंड इट्स अ लो बजटेड मूवी थी, एंड काफी इसने पैसा भी कमाया है, है ना, एंड बहुत जबरदस्त मजा आ गया। आई थिंक प्रशांत वर्मा वो है, उनकी मूवी थी, करेक्ट, अमेजिंग।
So guys, that's it for now. I've really enjoyed our narration. Just give a thumbs up, do comments and subscribe, and also click on the notification bell. So guys, we're back soon our next video. Till then, bye-bye.